आज का हमारा टॉपिक है पैनिकुलस कार्नोसस। पैनिकुलस कार्नोसस एक स्पेशल ग्रुप ऑफ मसल्स होता है। ये मसल है एक स्पेशल ग्रुप की जो कि हमारी स्किन को मूव कराने में हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी भी लोअर एनिमल, जैसे ये हॉर्स आपको दिख रहा है, अगर आप इसकी पीठ पर, हॉर्स की पीठ पर हाथ रखोगे, टच करोगे, तो ये अपने स्किन को वहीं से मूव करा देगा। ये स्किन का जो मूवमेंट होता है ये होता है पैनिकुलस कार्नोसस मसल्स की वजह से। देखिए, सपोज दैट नॉर्मली ये जो बोन है, दो बोन है, ये यहाँ पे बोन से मसल का ओरिजिन होगा और ये ओरिजिन होके दूसरी मसल, दूसरी बोन के अंदर इंसर्शन होगा। तो ये होता है ओरिजिन और इंसर्शन ऑफ एनी मसल्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर कोई भी मसल एक बोन से ओरिजिन होती है और दूसरी बोन पर अटैच होती है। लेकिन जब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगी, तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद यहाँ पे ये जो जॉइंट है यहाँ मूवमेंट होगा। जहाँ पे ये दो बोन मिल रही हैं, जॉइंट बना रही हैं, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहाँ बोन मूव करेंगी, मूवमेंट होगा। लेकिन इसके अलावा बॉडी में कुछ ऐसी मसल्स भी होती हैं जो बोन से ओरिजिन होती हैं लेकिन दूसरी बोन में इंसर्ट नहीं करती। जैसे ये स्किन है और ये है सुपरफिशियल फेसिया और ये डीप फेसिया। अब देखिए, बोन से एक मसल ओरिजिन हुई लेकिन ये दूसरी बोन में इंसर्ट ना करके ये स्किन पे इंसर्ट करेगी। इसका जो इंसर्शन होगा ये होगा स्किन में, यहाँ पे स्किन में, ठीक है, ये स्किन में इंसर्शन होगा या फिर इसका इंसर्शन होगा किसी भी मसल का सुपरफिशियल फेशिया के अंदर, सुपरफिशियल फेशिया में इंसर्ट करेगी। ओरिजिन तो हुई बोन से लेकिन इनका जो इंसर्शन हुआ वो कहाँ हुआ, सुपरफिशियल फेशिया या फिर स्किन में। देखिए, जहाँ पे ये मसल मूवमेंट कर रही थी, जब हमारी बोन मूवमेंट कर रही थी, क्योंकि इसका जो इंसर्शन है वो दूसरी बोन पर था, लेकिन यहाँ पे ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी ये मसल, तो ये यहाँ पे मूवमेंट होगा स्किन का, यहाँ पे स्किन का मूवमेंट होगा। इन मसल्स को हम कहते हैं सबक्यूटेनियस मसल, ये सबक्यूटेनियस मसल्स होती हैं। सबक्यूटेनियस मसल्स, इन्हीं सबक्यूटेनियस मसल्स को हम बोलते हैं, पैनिकुलस कार्नोसस। यही होती है पैनिकुलस कार्नोसस, जिनकी हेल्प से मूवमेंट होता है स्किन का।